बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मोहित नेटवर्क यूट्यूब चैनल। अगर आपको भी ये एरर आ रहा है अपने लैपटॉप के ऊपर तो आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप इस इशू को बआसानी रिजॉल्व कर सकते हैं। इंटरनल हार्ड ड्राइव नॉट फाउंड, ये एरर मैसेज है। मैं अपने लैपटॉप को ऑन करता हूँ तो ये मुझे एरर मैसेज शो होता है, मेरा लैपटॉप विंडोज़ लोड नहीं करता, विंडोज़ की स्क्रीन पे नहीं जाता, तो ये मुझे एरर मैसेज आता है। तो इसको इसका इशू जो होता है वो बायोस में होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बायोस की सेटिंग कैसे की जाती है, बायोस को इस एरर को कैसे ख़त्म किया जाता है। आपने अपने लैपटॉप को बंद करके दोबारा ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने F2 का बटन प्रेस करना है। F2 का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका सिस्टम बायोस में चला जाता है। डिफरेंट हर लैपटॉप की डिफरेंट की होती है बायोस डाटा में जाने के लिए। ये देखें, ये मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट करने के बाद F2 का मैं बटन प्रेस करता हूँ। F2 का बटन प्रेस करने के बाद ये देखिएगा, आपके सामने बायोस सेटअप में आप चले जाएंगे, बायोस की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो ये देखें दोस्तों, ये स्क्रीन आ चुकी है। आपने क्या करना है, बूट टैब में चले जाना। यहाँ पे आपने आके सबसे पहले सिक्योर बूट को डिसेबल करना है। अगर सिक्योर बूट एनेबल होगा तो आपकी विंडो कभी भी लोड नहीं होगी। और UEFI मोड है, इसको आपने लेगेसी मोड पे कन्वर्ट कर देना है। लेगेसी मोड सेलेक्ट करके आपने यस कर देना और आपने अपनी सिस्टम को दोबारा रिस्टार्ट करवा देना। तो और ये देखिएगा, आपके सामने अभी मेरा लैपटॉप जो है ना विंडो में चला जाएगा। और ये आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, विंडो लोड होना स्टार्ट हो चुकी है। विंडो 10 मैंने इंस्टॉल की हुई थी इसके अंदर। तो ये देखें, ये विंडो हमारी जो है ना वो लोड हो चुकी है। तो इस तरह आप अपना इशू रिजॉल्व कर सकते हैं।